देश के कुछ ऐसे छात्र हैं जो जेएनयू को फिर से बदनाम कर रहे हैं। जी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करनी आज बहुत ही जरूरी है। हर पढ़ने लिखने वाले छात्र का सपना होता था कि वो जेएनयू में पढ़ाई करे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। जेएनयू में प्रोफेसर का लेक्चर सुनने के लिए क्या आज छात्रों के पास वक्त ही नहीं बचा है? क्लासरूम में बैठना क्या अब छात्रों के लिए अपमान का विषय बन गया है? जेएनयू के प्रशासनिक खंड के पास छात्र हंगामा क्यों कर रहे हैं क्या आप जानते हैं? जेएनयू प्रशासन ने एक सर्कुलर निकाला जिसके मुताबिक 75% हाजिरी होने पर ही छात्रों को स्कॉलरशिप और फेलोशिप मिलेगी। 75% हाजिरी के मुद्दे पर छात्रों ने इतना हंगामा किया कि प्रोफेसर और वाइस चांसलर को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, भर्ती करवाना पड़ गया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या वाकई नेतागिरी का अड्डा बन चुकी है? क्या सचमुच अब जेएनयू के छात्रों का पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं रहा? जेएनयू से पिछले कुछ समय से जब भी कोई खबर आती है कम से कम शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं होता। प्रोफेसर का लेक्चर सुनने के लिए छात्र इकट्ठा हो ना हो, हल्ला हंगामा करने के लिए जेएनयू के छात्र पल भर में इकट्ठा हो जाते हैं। इस बार जेएनयू में छात्रों का हंगामा हाजिरी के मुद्दे पर है। जेएनयू प्रशासन ने तय किया कि छात्रों की 75% हाजिरी जरूरी है। 75% हाजिरी को लेकर जारी सर्कुलर पर छात्रों ने हंगामा कर दिया, जेएनयू की प्रशासनिक बिल्डिंग का घेराव किया, जबकि हाईकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक छात्र प्रशासनिक बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। हद तो तब हो गई जब छात्रों ने प्रो वाइस चांसलर के साथ साथ कुछ दूसरे कर्मचारियों को एक तरह से कैद कर दिया। हंगामा देर तक चला, किसी तरह प्रो वाइस चांसलर को बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने तक की नौबत आ गई। जबरदस्त धक्का मुक्की की, आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर मेरा छाती पे दर्द हो रहा था उस टाइम में, मैं आ आ कर रहा हूँ और लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इसको जाने मत दो, जाने मत दो, और ये मेरे लिए काफी शॉकिंग डेवलपमेंट। छात्र कहते हैं कि वो तो सिर्फ वाइस चांसलर से मिलना चाहते थे, उन्होंने कोई भी गेट ब्लॉक नहीं किया था। हम लोग कोई गेट ब्लॉक नहीं किए हुए हैं, हम लोग बाहर बैठ के वीसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और वो हमसे मिले। साफ साफ हमारी डिमांड है कि सर्कुलर वापस लिया जाए, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाया जाए। छात्रों की मांग है कि स्कॉलरशिप और फेलोशिप के लिए 75% हाजिरी के सर्कुलर को वापस लिया जाए, साथ ही अनिश्चित काल तक के लिए रद्द की गई एकेडमिक काउंसिल की बैठक बुलाई जाए। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक के बाद एक ही नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं जेएनयू के साथ। जेएनयू के छात्रों के व्यवहार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और आप समझिए कि जेएनयू का यहाँ जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ भी आपकी गाड़ी कमाई से वहाँ सब्सिडी जाती है, आराम से कम पैसों में पढ़ाई हो जाती है, लेकिन कैसे नाजायज फायदा इसका उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि जेएनयू को छात्रों ने क्या से क्या बना दिया, 75% हाजिरी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। जेएनयू के छात्रों को कटघरे में खड़ा करना आज की तारीख में जरूरी है। जेएनयू स्टूडेंट से सवाल पूछे जाने ही चाहिए। जी, अधूरी हाजिरी पर भरा छात्रों को पूरी स्कॉलरशिप और फेलोशिप क्यों मिलनी चाहिए? जेएनयू के छात्रों को सब्सिडी पढ़ाई के लिए चाहिए या सियासत के लिए चाहिए? जनता की गाढ़ी कमाई से जेएनयू छात्रों की पढ़ाई जरूरी है या फिर पिकनिक? जेएनयू के छात्रों को शिक्षकों को बंधक बनाने की आजादी दी जानी चाहिए? शिक्षा के मंदिर में जेएनयू के छात्रों की ब्लैकमेलिंग कब तक चलेगी? अब आप ये देखिए कि जेएनयू में देश की जनता की कितनी कमाई खर्च हो जाती है। सरकार जेएनयू को 332 करोड़ से ज्यादा का अनुदान देती है, जिसमें पिछले साल केंद्र सरकार ने सैमसंग यूनिवर्सिटी का बजट 150 करोड़ और बढ़ा दिया। 30 करोड़ रुपए में ये 150 करोड़ का अनुदान शामिल है। जेएनयू में छात्रों की पढ़ाई, रिसर्च और शिक्षा पर होने वाला खर्च 518 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सवाल ये कि कहाँ जा रहा है ये पैसा? सब्सिडी क्या इसलिए दी जा रही है कि ये गुंडागर्दी करने की छूट दे दी जाए इन छात्रों? और आप देखिए, आप अपने टीचर्स को, शिक्षकों को बंधक बना देते हैं।